नमस्कार, गुड मॉर्निंग ओडिशा गोटे नुआ अध्याय को अपन समस्त को स्वागत करुच्ची मुमामा दर्शक बंधु ये नुआ सकाळ रे आम सहित सेमती जन नुआ अतिथि अछंती जे कि लोक मानक सेवा पई निजो जीवन को उत्सर्गीकृत करिछंती तबे से होचंती डॉक्टर चित्तरंजन जेना तबे चालन तंग स्वागत करबा कार्यक्रम को अनेक कथा बा। नमस्कार, कार्यक्रम को स्वागत आपन को। सर प्रथम तो जाने पे चाहिबे आपन केमती अछंती? बहुत भल आज्ञा। जमी कहले कि आपण लोक मेवाई कारण लोक मैंने केमी सुस्थ रही पारे आपण आपण जीवन को उत्सर्गीकृत करते यात्रा के कठिन थी आपण कारण से आदिवासी मानी पहुँचवा कारण आजिकल बहुत आम स्वास्थ्य को लेकिन सचेतन हो बहुत सारा योजना अच्छे किमी भी बहुत सारा जगह अच्छी जोटि की से मेरे स्वास्थ्य सेवा पहुँची पारे से जाई पार ना ये सब नहीं कि बुझेवा भी बहुत कष्ट थाए तो ये आपण के कष्ट थिला। एक्जाक्टली फर्स्ट ऑफ़ ऑल मुझे कहवाक चाहूँगी एसीबी मेडिकल कॉलेज रु पास आउट है जितेबले मुझे चाहिली जे नाई आम टे ट्राइबल पीपल मानक हेल्प करवा आदिवासी मानक हेल्प करवा कोस्टल बेल्टर लोक मैंने तो सब फैसिलिटीज पाऊँच तेणु मुझे चाहिली जे नाई जा कोरापुट पोस्ट नवा 2016 जा कोरापुट पोस्ट नेली 2017 मोर ट्रांसफर है दशमनपुर ब्लक को ब्लकटा बहुत ब्लैकवर्ड ब्लक सेठी मोर जो विलेजेस थिला 317 317 भितर पाखापाखि बहुत गुड़े विलेज को इवेन 80 एव विलेज को रास्ता नथिला सेठी आपण जदि जिबे गोटे विलेज को जाई पहुँचवा हम तेल आपन 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर फिर 5 किलोमीटर आप लरेस गोटे विलेज थिला घाटमुंदार गोटे विलेज थिला अल्ची गोटे विलेज थिला आपण अल्ची जदि जिबे 3 किलोमीटर आप रास्त चलिकी जावाक पड़ो आउ किसी कम्युनिकेसन किसी ना आप चलिक ही जी बै फुट जी आहाड़ चढ़ी जी तो से जगह पहुँचे जदि किसी लोकर किसी असुविधा है मैलेरिया है डेंगू है डायरिया है से एरिया भितर लोकंर कि गोटे जस्ट गोटे इंजुरी है लोकंर ताल से प्रिफर करेंगे हस्पिटाल को आसवापी सी से भिलेज रे से जहाँ चेरमूली से कि जो गाँ दिशारी को गुणिया को देखे आई भितर रे आउ मते फास्ट टाइम असुविधा कौन होता ना भाषा बुझाटा तेणु मुँ कौन कल ना स्कूल पिला सब धरिकी भाषा बुझा ट्राए कली भाषा शिखा चेष्टा कली तापर धीरे 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 से सहित एमती मिसीगली मुझे गोटे प्रोजेक्ट आरंभ कली मैलेरिया डायरिया एंड डेंगू प्रिभेनसन इन हार्ड टू रिच भिलेजेस तो से भिलेज को जीवापी हेले आमको कौन ना जड़े डाक्तर रे जड़े फार्मासीस्ट रे जड़े हेल्थ वर्कर मेल रे जड़े हेल्थ वर्कर फिमेल रे जड़े आशा रे अंगनवाड़ी रोह आउ जड़े एएनएम रो तो आम समस्त जालेज लेवल पहुँचू कारण लोक तो आम पाखक आसूना तेणु आमको लोकों पाखक जीवार अच्छी तेणु आम जालेज लेवल पहुँचू आउ भिलेज लेवल पहुँचला समस्त स्क्रूटिन कराव मैलेरिया कहार कहार हो डायरिया कहार कहार हो कौन पर डायरिया होने जेनेली झरणा पाटा को व्यवहार करती आउ ड्रिंकिंग वाटर हिसाब से डायरिया आउटब्रेक हुए आप जानते काशीपुर केमी डायरिया आउटब्रेक होता दशमनपुर केमी डायरिया आउटब्रेक होता 2007 जो दशमनपुर डायरिया आउटब्रेक होता से अराउंड 350 कैजुअल्टी होता तो आम जा लोकों पाखे जाचु पहुँचला से माने कौन रिलक्टेंट प्रथम प्रथम रिलक्टेंट होते जे नाई आम देखेबुनी आम गुणिया दिशारी जहाँ अच्छा हाँ जेतेबेले भी नॉर्मल भी लोक माने ट्रैवल करिया पय जानती कि समान को सही एरिया लोक टिके माने एपोर्ट साइड लोक मान को टिके माने विश्वास करी पारन विश्वास करी पारन आ समान को बुझेवाटा बहुत कष्ट था माने समान जहां बुझी तांदी सेटा ही ताको पय थे आ से माने डाक्तर को भगवान डाक्तर बोली डाकंदी से माने डाक्तर को ना धरिक डाकंदी कहबे भगवान डाक्तर कुआडे गला एई भला तू ता कथार्ता करिवे भगवान डाक्तर कुआडे गला तो जाकि पहुँचला अरेंजमेंट करती खावा पीवा अरेंजमेंट सब करती आम जाइट भिलेज लेवल हेल्थ कैंप करूँ आउ हेल्थ अवेयरनेस करूँ आउ इवन भी प्लांटेसन करूँ भिलेज लेवल प्लांटेसन करूँ स्वच्छ भारत भी करूँ ता भितर तेणु टे भल लगे समस्त सहित इंटराक्शन करवाक धीरे 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 एमती हवा द्वारा आम गोटे भिलेज को कभर करते गलु धीरे धीरे मैलेरिया भी कमिला डायरिया भी कमिला डेंगी भी कमिला तो गोटे गोल अचीव कर जिंदी कल की अपन जते पास आउट हला परे सेठी के काई के भाबिले कारण समस्त नॉर्मली से सब जगह को जीवा को पसंद करनते नि कारण जिंदी कहले की रास्ता नाही रहिबार सुविधा नाही रहिबार सुविधा नाही खाइबार मु जते बेले मोर कथा कहिबी मेले जाई की दशमनपुर रे पहुचली क्वार्टर होसी भंगा क्वार्टर तेन सेई भितरे ता भितरे रहिबा आ उसी माने साप खाली बाहरिबे
खाली स्नैक्स बाहर आ भितर रही आपड़ जदि निजे खाइबाक खाइबे तले निजे रोसे करिवे आ सेटी किछि उपाय नै आ तो बाहर जो होटल फोटेल किछि नै होटल जहाँ भी से जो झोपड़ी होटल जहाँ से सब केवल मॉर्निंग आवर रे खुला रहिबो इवनिंग आवर रे सब बंद हो संध्या छड़ा पर आप किछि पाइबेनि तेणु निजे जदि आप निजे कुक न करिवे तो खाई पारिबेनि तेणु बाध्य से भितर रहिकरि ता भितर रहिकरि से लोकंकर सेवा करिया गोटे मजा अलग अच्छे आ से लोकंकु जहाँ कहिले से माने ग्रहण करंदी सांगे सांगे ग्रहण करंदी तो आम कौन इनिशिएटिव नेलु कौन ना फास्ट से कहलु हैंड वाशिंग केमती करवा दरकार केमती पानीटा को 20 मिनिट्स मिनिमम 20 मिनिट्स फुटेबा दरकार आपंकर डायरिया कौन हो पर्टिकुलर को रीजन डायरिया होमें कौन अपरिष्कार रहा आम परिष्कार रहा से परिष्कार रुहत आदिवासी मैंने बहुत मानते परिष्कार रुहत कि झरणा पाटा को व्यवहार करती तो आम शिखेलु झरणा पा आउ तो वाटर सोर्स किसी ना ड्रिंकिंग वाटर तो आम शिखेलु मिनिमम 20 मिनिट्स आप पाटा को फुटेबे फुटेकी पीबे यूज करेंगे धीरे धीरे डायरिया आउटब्रेकटा टे कमीगला आउ वर्तमान भी बहुत भल अच्छा से एरिया लोक मैंने निजुक जमी कहले कि बहुत सफर हेबा को पड़ी छि exactly. ता भीतर जो डिसिजन नेगे इठु जाइथिले सो से डिसिजन पई केबे रिग्रेट फील करै छै ना केबे रिग्रेट फील हे केबे मन को आसी छि कि नै बहुत कष्ट कारण निजुक को भी स्थिति के सफर हेबा को पड़ै छै अपन नै केबे सेमति मन को आसिनी बहुत भल लागि छि बरु से एरिया रे काम करिवारे बहुत आनंद अछि बहुत भल लागि छि आ कोविड समय रे मोर ट्रांसफर हे गेला कोस्टल बेल्ट को नले से एरिया रे काम करिवारे बहुत इच्छा अछि आ बहुत भल से लोक माने बहुत भल आपण से एरिया रे काम कले आपण निजुक बहुत प्राउड फील हबो आपण जाई कि पहुंचिबे सेमान सहित मिसिबे सेमाने कोन ना जहाँ को थरे विश्वास करथिबे ता कथा सब बेले मान रखिबे ता कथा को मानिबे अक्षर अक्षर पालन करिबे आमे जाई कि विलेज लेवल रे सेमानकर मलेरिया टेस्ट करिवु जदी मलेरिया पॉजिटिव आसीला ऑन द स्पॉट जमती डॉट्स हमर दिया हुए टीवी रे ऑन द स्पॉट आमे तंगु मेडिसिन खाइबा को दउ सी ताकू अक्षर अक्षर पालन करेंगे एपट सपट करें जो एलएलआईएन डिस्ट्रीब्यूशन हुए एलएलआईएन है लॉन्ग लास्टिंग आम इनसेक्टिसाइडल नेट गुड़ा से जो मशारी मशारी हाँ मशारी देकर कह मशारी नष्ट कौन है प्रथम प्रथम आम मशारी देलु से कौन करेंगे मरवे ना जो ब्यारिकेड बनइबे से मशारी तो बारंबार काउनसलींग करा जे ना मशारी यूजा एक्चुअली कौन तुम जो भी जाओ से जंगल भितर को जाती शिकार करा जाती कि फलमूल संग्रह करा जाती तुम जो भी जाओ मशारीटा सांगे नहीं जाओ बर से शोले भी मशारी टाणी देकि शुअता भितर कारण से मलेरिया प्रवण अंचलटा मलेरिया और डायरिया प्रवण अंचलटा तेणु आमर मेन फोकस रहा आम केमती मलेरिया को हटेबा केमती डायरिया को हटेबा तो बारंबार बारंबार ओनली काउंसलिंग काउंसलिंग द्वारा पॉसिबल हो पारा जमी कह बारंबार से काउंसलिंग करवा दरकार बुझेबा दरकार मैंने गोटे टाइम रे भी एमती भी होती है आप कि गोटे जिन बुझे थे तार अपोजिट आप सहित जमी कह नेट को कौथिपा यूज करवा दरकार से कौथे यूज करो के मन के आसे कि नाई एत थर बुझेला से बुझुना तो मत पुणी योजेक्ट जो प्रोजेक्ट आरंभ कर लोक मानक नहीं कि मत फेरी जावा दरकार मन आसनी गोटे दुटा भिलेज से कौन आइडियल हेल्थ भिलेज हिसाब से डिक्लेयर करूँ गोटे 12 भिलेज को जो भिलेज गुड़ा नाम कहूँ अलची है घाटमुंदर है लरेस है लरेस आपको जीवाक गोटे पाखापाखि 5 किलोमीटर आप पहाड़ भितर चढ़ी जी और से गाँटा हूँ 350 वर्ष गाँ ता भितर लोक मैंने 32 फैमिली से 200 पपुलेसन ताभर से आप पूरा पहाड़ चढ़ी जी पहाड़ ओल्लैबे से गाँटा को पाइबे तो से भितर अच्छा आने एत निष्कपट सरल आप जहाँ कहे ग्रहण करेंगे तुम गोटे थर मना करा ना तुम मस्किटो नेट को आई मरवर कि तुम ब्यारिकेड बनइबारे से गुड़ाक यूज करनी कि तुम कौटी मस्किटो नेट खराब हो तुम आमको इनफर्मेशन दि आम तुमको मस्किटो नेट प्रोवाइड करूँ तो से बुझी जाते जो सब कथ कहले बटे हुए तो आम ये सब जिन फिल्म मध्यम देखीचु समस्त देखी बट आपटा अनुभव करमती किसी अनुभूति अच्छी जोटा कि आप आसला पर भी आप सब मन थाए बहुत सारा अनुभूति बहुत सारा लोक मान सहित आप सब हाँ मुझे भिलेज को भिलेज लेवल को आपे आम तो सका गोटे कम करूँ आम आम जो एम एच यू वेहकिल था से वेहकिल सब मेडिसिन्स पैक हम प्लस जो लिफलेट्स पैक हम सब गुड़ाक पैकिंग करण कौन करज लेवल कौन कौन आक्टिविटीज करेंगे लाइन लिस्टिंग पूर्व दिन किए किए जी आम सहित हेल्थ वर्कर मेल जड़े फार्मासीस्ट जड़े आशा जड़े अंगनवाड़ी जड़े तो किए किए जी केमती खबर दिजाव यह सब जिन पूरा लाइन लिस्टिंग कराव आम जा पहुँचू जो से कौन करते ना से जो बण मल्ली से गोटे मानने छोट हार गोटे से जाऊ जाऊ पहुँचू पहुँचू आपण बेकार झुलईदे गोटे छोट फूल माला गोटे झुलईदे समस्ते आसिक गाँव स्त्री लोक मैंने गाँव छोट छुआ मैंने आप
पाद धरिक मुंडिया मारे आतिथ्यटा अतिथि देव भव से मैंने बढ़िया जानते आपड़ जाकि भिलेज लेवल पहुँचला आप खावा पीवा आरेजमेंट सार केमती खाइबे कौटी खाइबे कौटि बसवे क्या पिंडारे बसिकी आम ट्रिटमेंट हम ये सब जिन आरेजमेंट से बहुत सहजे कर दिखते अच्छा सही अनुभूति निहाती बहुत नियारा नियारा एग्जैक्टली अच्छा जिंदु स्टार्टिंग रो कहले कि से सब जिंस आपण माइंड सेट करथले कि नाही मु जेतेले पास आउट हेबी से जागो आपण चूज करथले किंतु फैमिली रो केते सपोर्ट मिलथला आपण हां नाही एक्चुअली बापांकर सपोर्ट फास्ट मिलथला मु जेतेले पास आउट हेली सेतेले तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कटक रे जॉइन करथली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कटक रे जॉइन कला पोर सेट पेशेंट लोड अधिका आउ तापर बापा मते इंसिस्ट करथले कहले जाई टिके कोरापुट रे काम करिवा निहाती दरकार आम केवल माने डाक्तर हेचे केवल टिके आदिवासी मानकर सेवा करिया निहाती निहाती आम कोरापुट रे काम करिया जो दुर्गम इलाका रे जाई टिके काम करले टिके बेटर हबो तो बापा को सपोर्ट थिला बापा चाहू थिले जे जाई पुओ जाई काम करू से एरिया रे सेते मु चूज करथिलि से एरिया सेठीकर पिला मानकर पिला दिन केमिति कटे छि आपण निहाती देखि छन से मानक सते जेमि कहली स्टार्टिंग टू स्कूल पिला मानक सते आपण बेसी अकॉर्डेड थिले कि लैंग्वेज आपण बहुत जल्दी जानि परिबे आपणकर पिला दिन एक्जेक्टली मु आपण गोडे लैंग्वेज कथा कहिबे से मानको कहिबा मानकर आमे मसारी टाणी सोइबा मलेरिया को भगे देबा तो मसारी गति सारी मलेरिया आदु दे लांगुएज तो जोटा कि आम टोटाली बुझी पार्वानी तो मुझे धीरे 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 से निज निज भितर कम्युनिकेशन करते ओडिया कहुती भितर कम्युनिकेशन टाक बुझापी मुझे लांगुएज टी शिखा आरंभ कली जी स्कूल पिला धरिकी लांगुएज शिखा आरंभ कली धीरे धीरे बुझी भी है गुड़ाए जिनस बुझीगला आने तू ता करके कथबार्ता करते कि कथार एत स्नेह थाए आप भल लगे बहुत बढ़िया लगे से एरिया काम करने निजर लगे से पाला पाद एंजय कर सहित इवेन स्कूल जाइए सब पाठ पढ़े से छुआ स्कूल लेवल को जाकि पाठ पढ़े स्कूल लेवल जाकिर गोटे प्रोजेक्ट रहा मैलेरिया डायरिया डेंगू प्रिभेन्शन आम हार्ट रिच भिलेजेस जो प्रोजेक्ट करें गोटे रहा गोटे पार्ट रहा धीरे धीरे माइंड को आसला कौन कौन कले बेटर हम आम गोटे प्रोजेक्ट रहा कौन ना आम सब स्कूल हैंडवाशिंग ड्रिल करवा पिला ड्रिल कर सूर्य नमस्कार करुँच तो आम जब हैंडवाशिंग ड्रिल करदे शिखेदे से ड्रिल हिसाब से गोटे सेवेन स्टेप अफ इजी हैंडवाशिंग फर्स्ट स्टेप सेकेंड स्टेप थर्ड स्टेप तो एमानको गोटे ड्रिल भाया लगे आईटा को देखिए भिडियो मुझे सब शिखेजी हैंडवाशिंग ड्रिल तो हैंडवाशिंग ड्रिल्टा गोटे वन्स गोटे गोटे स्कूल लेवल देखते मन कर 300 पिला अच्छा तो 300 पिला 300टा भिलेज रु आ कि मिनिमम गोटे 100 भिलेज रु आ तो 100 भिलेज लेवल जाइए हैंडवाशिंग जिनसा पहुँचीगला से घर जाइए शिखेले सार एम शिखे हैंडवाशिंग एमती हवा दरकार हाथ टाक एमती सफा करवा दरकार एमती सफा करने द्वारा आम डायरिया प्रिभेन्शन पाइपर एटा गोटे भल इनिसिएटिव अच्छा एमती कहे कि बहुत सारा इनिसिएटिव स्कूल मानक हूँ घर पाख को जाइए बुझेबा आ कौन कौन सब इनिसिएटिव से टाइम नहीं थे बुझेबापी हाँ तो कौन ना आम भिलेज लेवल जेहेतु से गोटे प्रेगनेंट लेडी है तो भिलेज लेवल रु आसी परिबनि 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर पहाड़ चढ़ी लेडी केत आसी परिबनि आम इवन जाइकिरी पहुँचू से ऑन द स्पॉट डिलीवरी करने बहुत जिनस तो सेठी कौन है ना से तेणु आम कौन कलु ना से गोटे 12 जन गोटे पिला युवक बाहर कलु प्रति भिलेज रु गोटे 12 जन युवक बाहर कलु से कौन करेंगे से ना देलु जे स्वयं सहायक बाहन तो से कौन करेंगे ना जदि किसी प्रेगनेंट लेडी असुविधा पड़ा कि जो मलेरिया पड़ा कि जो डायरिया पड़ा से हेल्प करेंगे आशा को एएनएम को हेल्प करेंगे मेडिकल आणिकी पहुँचापी कि खबर देवाई कि डाक्तर को इनफर्मेशन देवा तो आम जा पहुँची पार्बू से अच्छा ये जिते भाले कि ये आईडिया कि ना से भितर ही गोटे सचेतनता बार्ता तैयारी करने से इनवल्व करने कष्ट कारण से बुझे 12 जन टीम करवा बहुत कष्ट सब गाँव में थाए तो निहाती अनेक कथा पाए विषय आम सहित जन कलर जॉइन कर कॉल ना हेलो आज्ञा मैडम नमस्कार नमस्कार किए कौन सर मु भद्रक तिहिडी रु भवेश कुमार पति कहुले अच्छा केमते अछंदी आपण मैडम बहुत भलो अछि आज्ञा आज हम सहित सार अछंदी कथा बोंतु आज्ञा हेलो सर नमस्कार नमस्कार सर मु भद्रक तिहिडी रु कहुले भवेश कुमार पति कोंतु सर आपण केमते अछंदी सर भलो अछि आपण केमते अछंदी हां सर भलो अछि सर आउ कोन कोंतु सर ये गोटे कथ पचार छोट छुआ झील विषय सर गरम दायु रु सर देह बाहर बेक ये साइड रु सर तार कौन उपचार रही सर गरम बाहर तो कहते गरम बाहर बोली
छोट छुआ जो कपड़ा गुडा सफा कर खरारे सुखाद पारे आईरन प्रेस कर देखिए फंगल इन्फेक्शन गुडा हबनी निहाती भाव बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग जमी कहले कि सब जिन हुए बोधे हाइजेनिक होम जीवनशैली को नहीं बहुत सारा रोग आमको ट्रीट कैर एठिका जीवनशैली जी देखा सेपटिका लोक मान जीवन से बहुत आकाश पतल फरक जी कह बहुत फर एक्जामपल आपलाटी भिलेज थी तो से भिलेज पहुँचे आप देखिए क्या घर कबाट ना झरका ना विंडोज ना कि डोर ना क्या घर तो केवल एमती गोटे ओपन स्पेस तो सेठी से गल की जावास करती पचारि मुझे अरे ये तो कौन कबाड़ फबाट ना तुम घर तुम भिलेज रि चोर आसिक पहुँच चोर कनसेप्टा मुंडे आसनी तुम भिलेज रि चोर आसिक पहुँच तुम जिनपत नहींजी से मत बुढ़ा लोकटे कहला कहला सर आम ने कौन नब आम जिनस कौन नब आम तो जदि जन चोरी करने आसो तो मणीष चोरी कर ना आगे ये किसी आम पाखे ना तेणु ये सरल से मैंने पूरा एकदम सरल भिलेज टोटाली आप कबाट पाइबे अच्छा तो किसी कबाट हूँ जीवन शैली हूँ हाँ बहुत कष्टदायक किंतु धीरे 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 से बुझे जिनसटा को बेसिकली जो मस्किटो नेट यूज करवा आउ हैंड वाशिंग करवा आउ पानीटा को फुटे पीवा द्वारा से आमर जो फॉर एग्जांपल मुझे जो गोटे एग्जांपल हिसाब से कहबी आम जब पर डे ओपीडी को 100 पेसेंट आसती 100टा पेसेंट आसती से 40टा था मैलेरिया 40टा था डायरिया आउ 20टा है जनरल पेसेंट अलग पेसेंट जहाँ 20टा तो से जिनसटा धीरे 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 कमी 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 गोटे ये इनिशिएटिव नवा द्वारा वर्षे दु वर्ष पर आमर मैलेरिया पेसेंट पूरा एकदम 1, 2, 3, 4 ए भाया मैलेरिया पेसेंट पर डे आउ डायरिया पेसेंट पूरा कम्प्लीटली नील हो गला जोटा कि गोटे बहुत बड़ा अचीवमेंट थी आज्ञा से जीवन शैली आपठिकार गला कारण ये मर्निंग डे आरंभ कर अलग थाए आठ अलग थाए आप मर्निंग रुटीन से टाइम कौन थी सहित मिसिक प्रीवियस डे रू प्लानिंग कि आप कौ गाँ को जी किए आप सहित जी तो सबुदिन भिलेज भिजिट करूँ आम 6 days रोला ड्यूटी रोला जो अफ डे रोला से दिन आम भिलेज भिजिट करूँ संडेटा मोर संडे थिला ऑफ डे तो से दिन आम भिलेज भिजिट करूँ आउ 6 days ओपीडी रे हॉस्पिटल रे टाइम पलै जाए कि फील्ड भिजिट रे टाइम पलै जाए से संडे आम जा भिलेज भिजिट करू भिलेज लेवल जा पहुँची से काउंसलिंग करेबा तापर भिलेज लेवल रे प्लांटेशन करेबा से नहींकि से एरिया केमती स्वच्छ भारत करेबा जो झरणा जो स्पॉट अच्छी से सफा करेबा कहार कहार मस्किटो नेट अच्छी कहार मस्किटो नेट नहीं केमती जीकेएस थ्रो रे मोबिलाइज करेबा पुणी मस्किटो नेट प्रोवाइड करेबा आउ बेसिकली गोटे 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 इनिशिएटिव नहीं छोट लाइफ बॉय सोप गोटे गोटे समस्त घरे देवाई आटा समस्त घर दि होता बारंबार दि होता जोटा कि जिके स्थ्रो में मोबिलाइज होता से ही फंडिंग से ही गवर्नमेंट फंडिंग से ही गवर्नमेंटर लोक कि गोटे डिफरेन्ट वे आम टे मोबिलाइज कर पार्थिलु जहाद्वारा कि गोटे पसिबल होता बहुत भल आचिवमेंट होता आ कोरापुट डिस्ट्रिक्ट से ही समय मैलेरिया अवार्ड भी पाई सेन्ट्राल लेवल बहुत बड़ा अचीवमेंट मुझे जो प्रोजेक्टा करी पठे थी डब्ल्यूएचओ को पठे थी मैलेरिया डायरिया एंड डेंगी प्रिवेंशन इन हार्ट टू रिच विलेजेस से वर्ल्ड रो बेस्ट 100 प्रोजेक्ट हिसाब से सिलेक्ट होता है अरे बा बहुत बढ़िया कारण से ही टाइम रे सब जिन से मैं करवा बहुत टफ थाए आ बहुत डिफिकल्ट मध्य थाए अने कथा बा मो सहित आउ जन भी कॉलर जॉइन कर छन कॉल लेनवा हेलो हेलो नमस्कार के कहउ छन ओ प्रदीप कुमार परिडा कहउ छी रालकिला राजामंडारो अच्छा केमते अछन आपन आज्ञा भलो अछि आपन केमते अछन मो बहुत बढ़िया अछि थैंक यू सो मच आज हम सहित सार अछन कथा बोंतु आज्ञा हेलो सर नमस्कार कुंतु केमती अछंदी आया भलो अछि आपण केमती अछंदी बहुत बढ़िया अरे से मो गोडा रे हेलो कुंतु कुंतु से छिप्पो ढुकिले जणा पड़ जी सते के केमती उठे किछि खाद्य पदार्थ लागि के रही जी खाली छिप्पो ढुकिले जणा पड़ जी बाकी टाइम रे किछि जणा पड़ुन अच्छा छिप्पो ढुकिले लागु छी आपण को असुविधा लागु छी हां हां असुविधा लागु आ नियरेस्ट टिके डाक्टर को टिके कंसल्ट करले भलो तथापि आपण टिके आपणकर एसिडिटी रहउची कि गैस समस्या रहउची कि आज्ञा आज्ञा हां एसिडिटी पई सेटा प्रॉब्लम होउची तो आपण गोटे पीपीआई यूज करंतु सब बेले हैला कि टिके कांस्टेंटली 1 मंथ खने पीपीआई यूज करंतु
ଆଉ ନିୟରେଷ୍ଟ ଯିଏ ଏନ୍ଟି ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଥିବେ ଟିକେ କନସଲ୍ଟ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଉ ହଉ ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଫର୍ କଲିଂ। ନର୍ମାଲି ଯେମିତି ଆମ ଜୀବନଶୈଳୀ କଥା କହିଲେ କି ସେଠିକାର ଜୀବନଶୈଳୀ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇଥିବ ଏସବୁ ଜିନିଷ କି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ କାମ କରିବା। ତ ଟିକେ ମୁଁ ପଛକୁ ଫେରିଯିବି କି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଦିନ କେମିତି କଟିଛି, କାରଣ ସେଠି ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ଆଉ ପିଲା ହେଇଯିବା ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା, ତ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାଦିନ କେମିତି କଟିଛି? ମୋ ପିଲାଦିନ ତ ନୟାଗଡ଼ରେ, ମୁଁ ସ୍କୁଲିଂ ପୁରା ନୟାଗଡ଼ରେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି, ତାପରେ ମୁଁ ବିଜେବି କଲେଜ ମୋର ପ୍ଲସ୍ ଟୁ, ତାପରେ ମୋର MBBS ହେଉଛି SC ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ କଟକ। ପିଲାଦିନ ନୟାଗଡ଼ରେ ସେଇ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତେ କ୍ଲୋଜ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆମର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ହୁଏ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କୋରାପୁଟକୁ ଯାଇଥିଲି, ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲି ଯେତେବେଳେ, ଏଇ ଯେଉଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାସିଂ ଡ୍ରିଲ୍ ଶିଖେଇବା, ସେ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲା ବେଳେ ସେଦିନ ଲାଗେ ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ତାଙ୍କ ଭିତରେ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ଗୁଡ଼ାକରେ, ମୁଁ ଯାଇକି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବସିକିରି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାସିଂ ଶିଖାଏ ତାଙ୍କୁ, ଆଉ ସେ ଛୋଟ ଛୁଆ ସେମାନେ ଆସିକି କୋଳରେ ବସିଯାଆନ୍ତି। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କଠୁ ଯେଉଁ ଶିଖିଲି, ସେମାନେ ମୋତେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଶିଖାଇଲେ, ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ମୋତେ ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ିବାର ଅଛି ଏସବୁ ଜିନିଷ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ନୂଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଶିଖୁଛି। ମୁଁ ନିଜେ ଛୋଟ ଛୁଆ ହେଇଯାଇଥିଲି ସେ ସମୟରେ। ପିଲାଦିନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା କି ନାଇଁ ମୁଁ ବି ବଡ଼ ହେଲେ ଡକ୍ଟର ହେବି ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା କରିବି? ବାପାଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାପାଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ବାପାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ପୁଅ ଡାକ୍ତର ହେବ ନିହାତି, ଆଉ ଡାକ୍ତର ହେଇକି ଟିକିଏ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର କାମ କରିବ। ସବୁବେଳେ ବାପା ଏଇଟା କୁହନ୍ତି ଯେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଟିକିଏ କାମ କରିବା ଦରକାର, କାରଣ ଆମେ ତ ସବୁବେଳେ ପେପର ହଉ, ମିଡ଼ିଆ ହଉ, ନ୍ୟୁଜ୍ ହଉ, ସବୁବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଆସୁଛେ ଯେ ସେମାନେ ହାର୍ଟ ରିଚ୍ ଏରିଆରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେଠିକି କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ନାହିଁ, ଆଉ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର୍ର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଦେଖି 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 ମନରେ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା, ନାଇଁ ଆମେ ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନିଡ୍ କରନ୍ତି, ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ନିଡ୍ କରନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ସେମାନେ ନିଡ୍ କରନ୍ତି। କୋଷ୍ଟାଲ ବେଲ୍ଟରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସୁବିଧା ଅଛି, ସମାଜ ଅଛି, ତାପରେ ପଇସା ବି ଅଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ, ସେମାନେ ଇଜିଲି ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ନିହାତି ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମାନେ ଯେମିତି କହିଲେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଭଗବାନର ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ମାନନ୍ତି, ସେତିକି ରେସ୍ପେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ଡ ଭିଜିଟ୍ ଯାଇଥାଏ, ମୁଁ ସେଠି ଫିଲ୍ଡ ଭିଜିଟ୍ ଯାଇଥିବି, ଫିଲ୍ଡ ଭିଜିଟ୍ରୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ 2:30, 3 ହେଇଯିବ ଫିଲ୍ଡ ଭିଜିଟ୍ରୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ, ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିବେ ନା, ମୋର ଯେଉଁ କ୍ୱାର୍ଟର୍ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ 4 ଖଣ୍ଡେ ଶାଗୁଆନ ଗଛ ଥିଲା, ତ ସେଇଠି ସେମାନେ ବସିଥିବେ, ବସିଥିବେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଭଗବାନ ଡାକ୍ତର କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି, ଆସିଲେ ଦେଖିଦେବ। ସେଇସବୁ ଦିନ ବହୁତ ନିଆରା ମେମୋରେବୁଲ ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭିଲେଜ୍କୁ ଆମେ ଯିବା ବେଳକୁ ସେଠି 2-3 ନଦୀ ପଡ଼ିବ, ତ ଏମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିଛି, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକରେ, ମୁଁ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ବି ଯାଇଛି ତା ଭିତରେ, ଆଉ ବାରମ୍ବାର ସେଠି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଇଏ କରିବା ସେ ପସିବୁଲ୍ ହୁଏନି, ତେଣୁ ମୁଁ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ପଳାଇ ଯାଏ, ଯାଇକି ଭିଲେଜ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଆମକୁ ନଦୀ ଭିତରେ କ୍ରସ୍ କରିକି ଯିବାର ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ତ ଏବେ ସେସବୁ ଦିନକୁ ମିସ୍ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଏତେ ଟାଇମ୍ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ବି ଅଲମୋଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କ ଇଏରେ ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଥିଲେ, ସେମାନେ କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି ବା ସେମାନଙ୍କ ଖାଇବା କଥା କୁହନ୍ତୁ। ଏବେ ବି ମିସ୍ କରୁଛି, ଆଉ ଏବେ ବି ଚାହୁଁଛି ଅପରଚୁନିଟି ମିଳିଲେ ପୁଣି ଯାଇକି ସେଠି ପୁଣି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ରେୟାର ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସେପଟକାର ଏରିଆକୁ ଯାଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ନର୍ମାଲି ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି କି ନାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗା। ହଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି, SC ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ଗୋଟେ ଆମର ବେସିକାଲି ସେଠିକି କ'ଣ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରୁ ପିଲାମାନେ ଯାଆନ୍ତି କି ପାଖ ହୁଏ, ନିୟରେଷ୍ଟ ହୁଏ, ବଟ୍ SC ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରୁ କଟକରୁ କେହି ଯାଆନ୍ତିନି। ତ ମୁଁ ଗଲା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପିଲାମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଜୁନିୟର ମାନେ ସେମାନେ ବି ଦେଖିଲେ ନାଇଁ ଏଠି ଯାଇକି କାମ କରିବାରେ କିଛି ମଜା ଅଛି, କିଛି କାମ କରିବାର କିଛି ଗୋଟେ ନିଆରା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ବି ଚୁଜ୍ କଲେ। ମୋର ଏବେ ଜୁନିୟର ମାନେ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଲା ପରେ ବି ଯାଉଛନ୍ତି ସେଠି। ସେଠିକାର ଏଠିକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣ କ'ଣ ଫରକ ଦେଖିଛନ୍ତି, କାରଣ ସେଠିକାର ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଅଲଗା, ଏଠିକାର ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଅଲଗା, ଲୋକମାନଙ୍କ ଥିଙ୍କିଂ ବି ଅଲଗା? ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଠି ବେସିକାଲି ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ କୋଷ୍ଟାଲ ବେଲ୍ଟରେ ହସ୍ପିଟାଲ ଗୁଡ଼ାକରେ ଟିକେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କ୍ରିଏଟ୍ ହୁଏ, ଲୋକମାନେ ଟିକେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରନ୍ତି। ଟିକେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଆଉ କଥା ହେବା, ମୁଁ ଜଣେ କଲର୍ ଜଏନ୍ କରୁଛି ନା କହିଲା। ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ ହ୍ୟାଲୋ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୁଁ ପ୍ରଦୀପ ନାୟକ କହୁଥିଲି ଭଦ୍ରକ ସହିଆରୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ? ଭଲ ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଆମ ସହିତ ସାର ଅଛନ୍ତି, କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ସାର ନମସ୍କାର। ସାର ନମସ୍କାର ସାର, ଅଭିନନ୍ଦନ ସାର, ଶୁଭ ସକାଳ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର। ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ସାର ଚାହୁଁଥିଲି, ଆମ ଫ୍ୟାମିଲିର ସାର 2 ପେସେଣ୍ଟ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିକି ଭଲ ହେଇଛି, ମୁଁ ତ ସାର ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରେ ଅଛି। ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ସାର, ମୋର ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟିକେ ଅଧିକ ହଉଛି ସାର। ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା, ଯାହା ଖାଇଲା ବେଳକୁ ସାର ପେଟ ଯେମିତି ଅନିଦ ଫିଲ୍ ହଉଛି ଆଉ ବାନ୍ତି ଲାଗୁଛି ସବୁବେଳେ। ବେସିକାଲି ଟିକେ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ମୋଡିଫିକେସନ ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ ସମସ୍ୟାଟା ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ମୋଡିଫିକେସନ କରିଦେଲେ ସେ ପଳେଇଯିବ। ଆପଣ ଡେଲି ମିନିମମ 4 ଲିଟରରୁ ଅଧିକା ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ,
ଆପଣ ଟିକେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚା ଫାକୁ ଆଭଏଡ଼ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ତେଲ ମସଲା ଫୁଡ୍ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଆଭଏଡ଼ କରନ୍ତୁ, ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ୍କୁ ଆଭଏଡ଼ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଟିକେ ନିୟରେଷ୍ଟ ଯିଏ ଡକ୍ଟର, ହଁ ଆଉ ଟିକେ ନିୟରେଷ୍ଟ ଯିଏ ଡକ୍ଟର ଥିବେ ତାଙ୍କୁ କନସଲ୍ଟ କରିକି ଗୋଟେ ସକାଳେ ଗୋଟେ ଖାଲି ପେଟରେ ଗୋଟେ ପିପିଆଇ ନିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଭଲ ହୋଇପାରିବେ। ଆଉ ଟିକେ ଲିଭର ଫଙ୍କସନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ କରିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। କେବଳ ଖୁସି ଲାଗିବା କଥା ନୁହେଁ, ସାର୍ ଯାହା କହିଲେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ରୁଟିନ୍ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଫର୍ କଲିଂ। ନର୍ମାଲି ଯେମିତି କହିଲେ କି ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଚେଞ୍ଜ ଦ୍ୱାରା ବି ଆମକୁ ବହୁତ ସାରା ଡିଜିଜ୍ ହୁଏ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆମେ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମୋଡିଫିକେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଡିଜିଜ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିପାରିବା। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କର ହାବିଟ୍, ସେମାନେ କ'ଣ ଦିନ 10ଟା 11ଟା 12ଟା ବେଳକୁ ଗାଧେଇବେ? ନାହିଁ, ଆମକୁ ଗୋଟେ ରୁଟିନ୍ ଫଲୋ କରିବାର ଅଛି। ସକାଳେ 8ଟା ବେଳେ ଖାଇବା, ଦିନ 12ଟା ବେଳେ ଖାଇବା, ଖାଇବାର ଟାଇମିଂ ଠିକ୍ ରଖିବା ଦରକାର। 8ଟା 12ଟା ସନ୍ଧ୍ୟା 4ଟା ପୁଣି ରାତି 8ଟା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖାଇବାର ଟାଇମିଂ। ଆମକୁ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାପ୍ ଦେବାର ଅଛି, 4 ଆୱାର୍ସ ଗ୍ୟାପ୍ ଦେବାର ଅଛି, ଏଇ ଖାଇବା ଟାଇମିଂକୁ ଆମେ ଷ୍ଟିକ୍ କରିବା ଦରକାର। ବାକି ଡେଲି 4 ଲିଟରରୁ ଏଭବ୍ ୱାଟର୍ ପିଇବା ଦରକାର। ବାକି କଥା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଯଦି ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ଼ ଅଛି, ଆପଣ ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ଼ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କଲେ, ନହେଲେ ପାଣିଟାକୁ ମିନିମମ୍ ଗୋଟେ 20 ମିନିଟ୍ସ ଫୁଟେଇକି ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ତେଲ ମସଲା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯେମିତିକି ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ଼, ବାହାର ଖାଦ୍ୟ, ଗୁପ୍ଚୁପ୍ ହେଲା, ଚାଟ୍ ହେଲା, ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଟିକେ ଆଭଏଡ୍ କଲେ ଆମେ ବହୁତ ଜିନିଷ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିପାରିବା। ନିହାତି ଯେମିତି କହିଲେ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ଼ ଆଭଏଡ୍ କରିବା ଦରକାର, ଏସବୁ ଜିନିଷ ହୁଏତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିଛୁ, ବଟ୍ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ, ହଁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ ଆମେ କରିଦେଉ ବା ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ଏତେ ସିରିୟସ୍ ନେଉ ନା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ଡିଜିଜ୍ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ତ ସିଜନାରେ ବି ବହୁତ ସାରା ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ସିଜନ୍ ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ସିଜନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ, ହେଉଛି ଫିଭର୍ ହଉ, କୋଲ୍ଡ ହଉ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ହୁଏ। ଆଜ୍ଞା, ତ ନର୍ମାଲି ଆମେ କେମିତି ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍, ଗୋଟେ ହେଲ୍ଦି ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ କେମିତି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରିବା? ହଁ, ହେଲ୍ଦି ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାନେ ଆମର ସ୍ଲିପ୍ ଆୱାର୍ଟା ଆପଣ ଗୋଟେ ମିନିମମ୍ 8 ଘଣ୍ଟା ରଖିବେ ନିହାତି ଭାବରେ। ଆପଣ ରାତି 10ଟାରେ ଯଦି ଶୋଇବେ, ମିନିମମ୍ ସକାଳ 6ଟା ପରେ ଉଠିବା ଦରକାର। 8 ଆୱାର୍ସ ସ୍ଲିପ୍ ଗୋଟେ ମିନିମମ୍ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଦରକାର। ତା'ପରେ ଖାଇବାର ଟାଇମିଂଟା ଆପଣ ଫିକ୍ସ ରଖିବା ଦରକାର। ଆମେ କ'ଣ ୱାର୍କ ଲୋଡ଼୍ରେ, ୱାର୍କ ପ୍ରେସର୍ରେ ଆମେ ଦିନ 4ଟାରେ 5ଟାରେ, କିଏ ଲଞ୍ଚ କଲାଣି ଯାଇକି 5ଟା ବେଳକୁ, ତ ଏମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ହୋଇଯାଏ ୱାର୍କ ପ୍ରେସର୍ରେ। କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖାଇବାର ଟାଇମିଂଟା ଫିକ୍ସ ରହିବା ଦରକାର। ସକାଳ 8ଟାରେ ଆପଣ ଯାହା ହେଲେ ବି ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟରୁ ବି ଏ ବି ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟଟା ଅଧିକା ନେବା ଦରକାର, ଲଞ୍ଚଟା ତାଠୁ କମ୍ ହେବା ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କର ଡିନର୍ଟା ଆହୁରି କମ୍ ହେବା ଦରକାର। ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପରେ ଆପଣ ଯେତେ ଲାଇଟ୍ ଫୁଡ୍ ନେବେ, କାମ ଯଦି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ପ୍ଲାନିଂ ହିସାବରେ କଲେ ଯେମିତି ଠିକ୍ ହୁଏ, ତ ଆମ ଲାଇଫ୍ରେ ବି ସେମିତି ଲାଇଫ୍ରେ ଗୋଟେ ଡେଲି ରୁଟିନ୍ କଲେ, ଡେଲି ରୁଟିନ୍ କଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ବି ହେଲ୍ଦି ରହିପାରିବୁ। ତ ନିହାତି ଆଗକୁ କଥା ହେବା, ମୁଁ ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଜଏନ୍ କରୁଛି ନା, କଲ୍ ନେବା। ହ୍ୟାଲୋ ମ୍ୟାଡମ୍, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ସୁହାସିଷ କହୁଥିଲେ, ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଭଦ୍ରକରୁ। ଆଜ୍ଞା, ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଜ୍ଞା, କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ ସାର୍। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ସାର୍, ମୁଁ ସୁହାସିଷ କହୁଥିଲି, ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଭଦ୍ରକ। କୁହନ୍ତୁ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭଲ ଅଛି ସାର୍। ସାର୍ ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ବହୁତ ବଢିଆ, କୁହନ୍ତୁ। ସାର୍ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା କି ସାର୍, ଆମ ଘରେ ପରିବାରରେ ଯଦି କେହି ସଦସ୍ୟ ଡାଇରିଆରେ ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଛନ୍ତି, ତ ତାର ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ ଆଉ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କେମିତି କରିବା ସାର୍? ଡାଇରିଆ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ହେଉଛି, ଆପଣ ଟିକେ ହାଇଜିନିସିଟି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ଦରକାର। ଆପଣ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାସିଂଟାକୁ ଆପଣ ଇଜିଲି ପାଇପାରିବେ, ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ପାଇପାରିବେ, ହେଲା, କିମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ଦେଖିବେ, ମୋର ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ଗୁଡ଼ା ବି ଅଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଥିରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାସିଂ। ମୁଁ ତାକୁ 7 ଷ୍ଟେପ୍ସ ଅଫ୍ ଇଜି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାସିଂ ଶିଖେଇଛି, ଆପଣ ସେଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଅନୁସାରେ ଟିକେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାସିଂ କରିବା ଦରକାର। ବେସିକାଲି ଆମର ହାତରୁ ଇନଫେକ୍ସନ୍ଟା ଯାଏ, ଡାଇରିଆ ହେଲା, ଆଇଦର ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଲା, ଭାଇରାଲ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଲା, କିମ୍ବା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି କୌଣସି ମିଲ୍କ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଖାଉଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ହେଭି ଫୁଡ଼୍ ଖାଉଛନ୍ତି, ମଟନ ଚିକେନ୍ ଖାଉଛନ୍ତି, ତ ତା ପାଇଁ ବି ଡାଇରିଆ ହେଇପାରେ। କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ରହୁଛି ଯେ ୱାଟର ଇନଟେକ୍ କମ୍ ରହୁଛି, ତା ପାଇଁ ବି ଡାଇରିଆ ହେଇପାରେ। କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ୱାଟର ଯଦି କଣ୍ଟାମିନେଟେଡ୍ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ତା ପାଇଁ ବି ଡାଇରିଆ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କେଉଁଠି ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ପାଣିରେ ଯଦି ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ଼ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ 20 ମିନିଟ୍ସ ୱାଟର୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟାନ୍ତୁ, ତା'ପରେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ରହୁଛି ଇନଫେକ୍ସନ୍ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ତା ପାଇଁ ଆପଣ ମେଡିକେସନ୍ ନେଇପାରିବେ। ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜ୍ଞା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଫର୍ କଲିଂ। ନର୍ମାଲି ବହୁତ ଲୋକ ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି କି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନେଇକି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ସେତିକି ଫିଟ୍ ରହିବା ଦରକାର କି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ମେଣ୍ଟାଲି ହଉ ଫିଜିକାଲି ହଉ ସବୁବେଳେ ଫିଟ୍ ରହିଲେ ଆପଣ ଅନ୍ୟକୁ ଫିଟ୍ କରିପାରିବେ ବା ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଟିପ୍ସ ଦେଇପାରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଶୁଣା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣ ନିଜ ରୁଟିନ୍ କେମିତି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତି? ମେଣ୍ଟେନ୍ ଟିକେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଆମର ଯେତେବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ଥାଏ ସେତେବେଳେ ଟିକେ ନିଜକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିହୁଏନି, ବାକି ରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଡେଜ୍
ठीक ठाक रही हुए हॉस्पिटल ड्यूटी थिला समय कौन आप इमरजेंसी पेशेंट आसवे आपड़े समय लंच भी करें एमती हुए गोटे गोटे टाइम लंच स्कीप करा पड़े कारण आप इमरजेंसी पेशेंट सडन किए गोटे आक्सीडेट आसला कि गोटे डेलीवरी होगा कि असुविधा है कि जो ब्लीडिंग आसला तो आपको अटेंड करा पड़ो बाध्य अटेंड करने तो से ही समय लंच स्कीप हो जाए ना अलग रेस्ट ऑफ़ द डेज जमी रुटीन मुझे बाहर को जापारे मुझे साइकिल रखी साइकिल टी साइकिल साइकिलिंग करे बाहर को जाई हुए से गोटे ट्रेडमिल पकई रूम टी एक्सरसाइज करे अच्छा घरे जति के टाइम मिले आपण एक्सरसाइज ओरिया समस्त करन नॉर्मल कहले कि आपण लोक माने जत आसंत कि हेल्थ केमती फिट रहिबे से सब जिंस तांको कहंती ए सब करबा दरकार टाइम टेबल खाइबा निहाते दरकार हां एक्चुअली देखंतु मेन कथा हला लोकन को प्रॉपर काउंसलिंग दरकार मेडिकेशन अपेक्षा प्रिवेंशन टा बेटर प्रिवेंशन टा सब बेले बेटर प्रॉपर काउंसलिंग लोक पांतनी तो गोटे डाक्तर केते समय पेसेंट सहित कटौच केते समय एक्जाक्टली लोक आसला डायरिया हो कहला आम चार पाँचटा मेडिसिन लिखिदे छाड़देले तू पलै जा ना एक्जाक्टली कौन पर तार डायरिया है से मिल्क प्रोडक्ट नहीं आलर्जिक फुड खाई कि बाहर कौटी फुडिंग खाई कि तार फुड पॉइजनिंग कि तार इनफेक्शन तो एक्जाक्टली से ही जिनसा काउनसलींग करवा फर्दर से डिजिज्रे पड़ा आज्ञा नर्माली भी एमती बहुत पेसेंट आसी आपको कि बहुत डक्टर चेंज करती आम पांच दिन ये मेडिसीन खाइले भल है डक्टर को कनसल्ट करवा तो ये सब जिनसा बोधे हुए तो मुझे भाविकी बहुत देह अधिका खराब खराब तो सब जिनस को लेकिन कौन कह जिस गोटे क्या रिक्वेस्ट करी लोक मे एक्चुअली से गुगुल न करूँ गूगल करके जो निजे डाक्तर हवा निजे गोटे रिसर्च करवा से ही जिनस न करूँ बर नियरेस्ट जी डक्टर अच्छा कनसल्ट करूँ थे जदि थरकर आपंकर डिजिज भल ना आप सेकेंड टाइम पुणी से ही डक्टर को कनसल्ट करूँ से ही डक्टर को कनसल्ट कले सी आप डिजिज को धरी पारे ठीक से डिजिज डायग्नोसीस करें भल हो पारे आज जदि आप जन डाक्तर पाखर गोटे आंटीबायोटिक खाइले का पुणी जाइए आउ जन डाक्तर पाखर आउ गए आंटीबायोटिक खाइले एमती चलो फाइनाली आम माने धीरे 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 आंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भितर को हमें पसी जाऊँ आम पाखे आउ आंटीबायोटिक ना से सफिशिएंट आंटीबायोटिक ना बेसिकली आप देखिथे जो मेडिसिन स्टोर मान पाखक जो लोग जाती कौन करते दुटा मेडिसिन काटिक दे दिखती जहाँद्वारा कि रेजिस्टेंस हो जाए आप दुटा एजिथ्रोमाइसिन खाइले सी रेजिस्टेंस होगा फर्दर आपको से ही इनफेक्शन है आपको सी आज कम करना बेटर कि आपड़ गोटे नियरेस्ट जो डक्टर को देखेले निहाती बहुत सारा हुए कि आम डॉक्टर जी पूर्व बहुत सारा गूगल करके बहुत सारा मेडिसिन ऑलरेडी खाई सारी थी तो डॉक्टर नॉर्मली जो प्रिस्क्राइब करी से ही मेडिसिन भी ऑलरेडी हमें खाई सारी थी बारंबार लोगों को कहे जे आपण गूगल सर्च करूँ नियरेस्ट जहाँ भी जी भी जन डक्टर अच्छा कनसल्ट करूँ कि कौन से मेडिसिन स्टोर को जातुनि मेडिसिन स्टोर को जाइए जो दुटा मेडिसिन तीन टा मेडिसिन खाई दूसरी ताद्वारा कि गोटे डक्टर को डिफिकल्ट होपको ट्रीटमेंट करने कारण आप डक्टर पाखक आसवा पूर्व गोटे दसटा मेडिसिन खाई आसे मेडिसिन खाले साइड इफेक्ट बहुत सारा प्रोब्लम हेलो 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 नमस्कार के कहउचंदी पुष्पांजलि कहउथले के कहउचंदी पुष्पांजलि अच्छा कोड कहउचंदी भद्रक मिशन कोड मैडम केमते अछंदी आपण भलो अछि अच्छा आज हम सतो सार अछंदी कथा होंतु हां नमस्कार कोंतु हां नमस्कार नमस्कार कोंतु जीर कोन सुक्ति उपड़ती आपणकर कोन असुविधा होची जीर सुक्ति उपड़ती हेयर फॉल हेयर फॉल होची अच्छा तो आपण टिके नियरेस्ट के जने डर्माटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करंतु हेयर फॉल कोन पई होची हेयर फॉल रे एक्चुअली बहुत गुडे रीजन अछि आपण बेसिकली फास्ट रीजन हला आपणकर थायराइड अछि ना नै आपण फास्ट चेकअप करै नियंतु जेहेतु आपण भद्रक को फोन करछथि 4 प्लस चंद्र हां जदि आपण भद्रक को फोन करछथि तो निहाति भाबरे हम कहबी आपण टिके थायराइड प्रोफाइल ताको टिके आउथरे चेक करै नियंतु कारण थायराइड प्रोफाइल जदि अबनॉर्मल रहुथिबो ताहले आपणकर चुट्टी टिके झड़िबो तेणु बेटर कि सेटा को टिके टेस्ट करै नियंतु आ नियरेस्ट जी डॉक्टर अछन्थि तांको सेते टिके कंसल्ट करंतु कोन पई एक्जेक्टली चुट्टी झड़ुछि चुट्टी झड़िबार बहुत गुडे रीजन अछि तो छोटो छुआ माने तांकर कोनो भी छोटो छुआ मर भी थायराइड रहिए रहुछि ना हां हेइ परिबो मा सेमति किछ नै तेणु ताको टिके टेस्ट करिकि आमे जदि प्रॉपर मेडिकेशन दबा आपणकर चुट्टी झड़िबा कमि जिवो आ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स टिके अधिका खांतु मटन चिकन टिके दूरे रुहंतु ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स जते अधिका खाइबे जते अधिका पानी पीबे जते लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करिबे सेते चुट्टी झड़िबा कमि जिवो
ଆଜ୍ଞା ନିହାତି ଭାବରେ କିଛି ମେଡିସିନ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମେଡିସିନ ଖାଆନ୍ତୁ। ଏଇ ଇସ୍ୟୁ ନିହାତି ଭାବରେ ମୁଁ ଚାହିଁବି କି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଫର୍ କଲିଂ। ନର୍ମାଲ ଯେମିତି କହିଲି କି ଆମକୁ ଡକ୍ଟର ଯାହା କୁହନ୍ତି ଆମେ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମ ମାନେ ଆମେ ଯାହା ଭାବୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ କହୁ। ଯେମିତିକି ନର୍ମାଲି କହିଲେ କି ଥାଇରଏଡ଼ ହଉ ବା ଏମିତି ସାରା ବହୁତ ସାରା ଡିଜିଜ୍ ଅଛି, ଆମେ ମାନୁନା କି ବହୁତ କମ୍ ଏଜ୍ରୁ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ଏସବୁ ଜିନିଷ। ତ ଏଇସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ଯେମିତି କାରଣ ରୋଗ ତ ଜାଣି ହିଁ ନାହିଁ ବୟସ କି କାହାକୁ କ'ଣ ନର୍ମାଲି ଆମେ ହିଁ ସେଟା କ୍ରିଏଟ୍ କରୁ। ଜଣେ ପ୍ରପର ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କେବଳ ଜଣେ ଡକ୍ଟର ହିଁ ଦେଇପାରିବେ। ଆପଣ ନିଜେ ଗୁଗୁଲ୍ ସର୍ଚ୍ଚ ନ କରିକି କୌଣସି ଡାକ୍ତରଙ୍କର କନ୍ସଲଟେସନ୍ ନେଲେ ତାହେଲେ ବେଟର ସେଇଟା। ତ ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲି ଯେ ମେଡିକେସନ ଲୋକଙ୍କର ଓଭରଡୋଜ୍ କେମିତି ହେଉଛି, ଡ୍ରଗ୍ ଓଭରଡୋଜ୍ କେମିତି ହେଉଛି, ଆମର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡ୍ରଗ୍ ବିଷୟରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲୁ ସେତେବେଳେ ଆମର ଗୋଟେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଥିଲା ଏଭ୍ରି ଡ୍ରଗ୍ ଇଜ୍ ଏ ପଏଜନ୍। ତ ସବୁ ଡ୍ରଗ୍ ଗୁଡ଼ା ଆମର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଏଜନ୍, ତ ପଏଜନ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ, ତେଣୁକରି ତାକୁ ପ୍ରିକସନ୍ରେ ୟୁଜ୍ କରିବା ଦରକାର। ଆମ ଡ୍ରଗ୍ଟା ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ତିନିଟା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଡ୍ରଗ୍ ହେବା ଦରକାର। ଆମେ ଏଞ୍ଚା ଏ ଡ୍ରଗ୍ ଖାଇବା, ଇଏ କରିବା, ସେ କରିବା, କିମ୍ବା ଏ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖରୁ ପାଞ୍ଚଟା ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇଲେଣି ଟିକିଏ ଭଲ ନହେଲା ଆପଣ ଆଉ ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଉ ପାଞ୍ଚଟା ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇଲେଣି। ତ ଏମିତି ହେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଇଯାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଭଲ ହେଇପାରିବାନି, ଆହୁରି ଗୁଡ଼ାଏ ସାଇଡ଼୍ ଇଫେକ୍ଟସ୍ ବାହାରିବ। ତ ଇଏ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଯେ ଚୁଟି ଝଡ଼ୁଛି, ତା'ର ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ରିଜିନ୍ ଥାଇପାରେ, କିମ୍ବା ଡ୍ରଗ୍ ଓଭରଡୋଜ୍ ବି ହେଇଥାଇପାରେ। ସେ ଯଦି ଅଲଗା କିଛି ଡ୍ରଗ୍ ନେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ସ୍କିନ୍ ଉପରେ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଏ କି ହେୟାର ଫଲ୍ ହୁଏ, ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ନିହାତି ଭାବରେ ମେଡିସିନ୍। ପଲ୍ୟୁସନ୍ ମେନ୍ ରିଜିନ୍। ଆଜ୍ଞା ନିହାତି ଅନେକ କଥା ହେବ, ଆମ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି, କଲ୍ ନେବା। ହ୍ୟାଲୋ, ହ୍ୟାଲୋ, ନମସ୍କାର, କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ସାର୍ ମ୍ୟାଡମ୍, ମୁଁ ସମୀର କହୁଥିଲି, ତିହିଡ଼ରୁ। ଆଚ୍ଛା, ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ। ସାର୍ ମୋ ଦେହ ସବୁବେଳେ ଅସୁସ୍ଥ ରହୁଛି, ନିଦ ରାତିରେ ଠିକ ସେ ହଉନି। ନିଦ ହଉନି ଆପଣଙ୍କୁ? ଆଜ୍ଞା, ନିଦ ହଉନି ଠିକ ସେ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ବୟସ କେତେ? ବୟସ ସାର୍ 23+। ଟିକେ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ଦେଖିନବା, ବେଟର ହବ। ନିୟରେଷ୍ଟ ଯେ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି, ଟିକେ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସରଟାକୁ ଚେକଅପ୍ କରାଇ ନେବା ଉଚିତ ହବ। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଯଦି ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ହାଇ ରହିବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ରାତିରେ ନିଦ ହବନି, କିମ୍ବା କୌଣସି ଯଦି ଆଙ୍ଗଜାଇଟି ରହୁଛି, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଟେନସନ୍ ରହୁଛି, କିମ୍ବା ଆପଣ ଡିପ୍ରେସନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଫ୍ୟାମିଲିଆଲ ଟେନସନ୍ କିଛି ଅଛି, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି, କମ୍ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି, ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ରାତିରେ ହେଭି ଫୁଡ଼୍ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଏହିସବୁ ରିଜିନ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ନିଦ ନହେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଟିକେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା ଦରକାର, ପ୍ରପର୍ଲି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା ଦରକାର। ନିୟରେଷ୍ଟ ଯିଏ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଟିକେ କନ୍ସଲ୍ଟ କଲେ ବେଟର। ନିହାତି ଭାବରେ ମୁଁ ଚାହିଁବି କି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ କନ୍ସଲ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ହେଲ୍ଦି ରୁହନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଫର୍ କଲିଂ। ନର୍ମାଲି ଯେମିତି କହିଲେ କି ବହୁତ କମ୍ ଏଜ୍ରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର, ବିପି, ଲୋ ବିପି, ଏସବୁ ଏନ୍ଜାଇଟି, ଏସବୁ ବହୁତ ସାରା ଡିଜିଜ୍ ବହୁତ କମ୍ ଏଜ୍ରୁ ଏବେ ଇଫେକ୍ଟ ହେଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ହଁ, ବହୁତ କମ୍ ଏଜ୍ର ପିଲାମାନଙ୍କୁ, କାରଣ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ରହୁଛି। ପର୍ଟିକୁଲାର ଜଣେ ପିଲା ଯଦି ଗୋଟେ ଆର୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କିମ୍ବା ଗୋଟେ ପିଲା ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କି ନା ବାପା ମା ମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ଆକ୍ସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଡାକ୍ତର ହେବା ଦରକାର, ତୁ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ହେବା ଦରକାର, ତା ଉପରେ ତ ବର୍ଡ଼ନ୍ ରହୁଛି, ଓଭର ବର୍ଡ଼ନ୍ ରହୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ୟଙ୍ଗ ଏଜ୍ ହାଇପରଟେନସନ୍ ରହୁଛି। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଆଗରୁ କ'ଣ, ଆମ ପିଲାଦିନେ ଆମେ ଯାଇକରି ବାହାରେ ଖେଳୁଥିଲୁ, ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳୁଥିଲୁ, ସକାଳୁ ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳୁଥିଲୁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳୁଥିଲୁ, ଆମେ ଯାଇକି ବାହାରେ ଖେଳୁଥିଲୁ, ଫୁଟବଲ୍ ହେଲା, କ୍ରିକେଟ୍ ହେଲା, କବାଡ଼ି ହେଲା, ଖୋଖୋ ହେଲା, ଏଗୁଡ଼ାକ ଫିଜିକାଲ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ଟା ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ପିଲାଙ୍କର ଛୋଟ ଛୁଆ, ଇଭେନ୍ ଯିଏ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ପେସେଣ୍ଟ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସେ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ୍ ଧରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ସେ କାନ୍ଦିଲା ମାନେ ତାଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ୍ ଧରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ମାନେ ସେ ମୋବାଇଲ୍ଟା ଧରିଲା ମାନେ ସେ କାନ୍ଦଡ଼ା ବନ୍ଦ ହେଉଛି। ତ ମୋବାଇଲ୍ ଧରିଲା, ସେ ଗୋଟେ ପିଲାଦିନୁ ହାବିଚୁଏଟେଡ଼୍ ହେଇଗଲା ମୋବାଇଲ୍ ସହିତ, ତ ଘରେ ବସିଲା କିମ୍ବା ବେଡ଼୍ ଉପରେ ଶୋଇଲା ମୋବାଇଲ୍ ଧରିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼୍ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଲା, ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼୍ ହାଇପରଟେନସନ୍ ହେଲା, ଏଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ବଢ଼ିବାର ବହୁତ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ରହୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ନର୍ମାଲି ଯେମିତି କହିଲେ ଖାଇବାକୁ ନେଇକି ବହୁତ ହେଲ୍ଦି ଫୁଡ୍ ଖାଇବା ନିହାତି ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ଟାଇମ୍ ଯେମିତି ହେଇକି ସବୁଥିରେ ବହୁତ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ମିଶୁଛି, ସବୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ବି ବହୁତ ସାରା ଡିଜିଜ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି। ମୁଁ ତ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରିବି ଯେ ହୋମ୍ ଗ୍ରୋନ୍, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆପଣ କିଚେନ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କିଛି ଲଗାଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ହୋମ୍ ଗ୍ରୋନ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା। ଯେତେ ଆପଣ ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ଖାଇବେ, ଗ୍ରୀନ୍ ଲିଫି ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ଖାଇବେ, ଯେତେ ଆପଣ କଞ୍ଚା ପନିପରିବା ଖାଇବେ ଯେମିତି କାକୁଡ଼ି ହେଲା, ଯେତେ ଆପଣ ଗ୍ରୀନ୍ ସାଲାଡ଼୍ ଖାଇବେ, ଆଉ ତାହେଲେ ଆପଣ ହେଲ୍ଦି ରହିବେ, ବେଟର୍ ରହିବେ। ଆଜିକା ଟାଇମ୍ରେ ଯେମିତିକି ବହୁତ ସାରା ଲୋକମାନେ ବାହାରେ ଯେଉଁମାନେ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ପ୍ରିଫର ହୁଏନି କି ଖାଇବା ପାଇଁ ନିଜେ ରୋଷେଇ କରିକି ଖାଇବା ଇଏ ହଉ, ତ ସେମାନେ ନର୍ମାଲି ଓଭରାଲି ଗୋଟେ ହେଲ୍ଦି ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍କୁ କେମିତି ମାନେ କ'ଣ ମେଣ୍ଟେନ୍ କଲେ ବଞ୍ଚିପାରିବେ ନିଜ ଲାଇଫ୍। ବାହାରେ ଯଦି ରହୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ଆପଣ ଟିକେ ଆଭଏଡ୍ କରିବେ, ବେସିକାଲି ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼୍କୁ ଆଭଏଡ୍ କରିବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ୱାଟର୍ ଇନ୍ଟେକ୍ଟାକୁ ଦେଖିବେ, ନିହାତି ମିନିମମ୍ 4 ଲିଟର ଅଫ୍ ୱାଟର୍ ଆପଣ ପିଇବା ଦରକାର ପର୍ ଡେ।
तो 4 लिटर पा पीछे ना नहीं सेटा को देखिए आ खाइबार टाइमिंग टाइम फिक्स रखिए एक्जाक्टली सका 8टा मुझे कहली सका 8टा दिन 12टा संध्या 4टा रात 8टा तो ये खाइबार टाइमिंग टाइम फिक्स रखिए बाकी कथा है आप जिते पा अधिका पीबे जिते ग्रीन लिफी भेजिटेबल्स खाइबे किंवा जिते कंचा पनीपरिया खाइबे जिते ग्रीन सलाड खाइबे जदि निजे आपड़ पाखे फ्रिज अच्छी आप रखिपारे गोटे काकुड़ी टमाटो गाजर सलाड करके आप खाई बाकी रेस्ट अफ दि कथा आप बाहर रोचान आप निजे रोसे करें बाहर खाद्य खावाक बाध्य कि खाइबार टाइमिंग टाइम फिक्स रखिए आज जमी टेम्परेचर बहुत अधिका बहुत क्लाइमेट प्रॉब्लम भी बहुत होती कह एयर पल्यूशन क्या कहतु वाटर क्या कहतु एगुरा भी बहुत सारा हेल्प करके नुआ नुआ जमी कोविड कथा जमी देखा बहुत लोग सफर होती बहुत किसी जिन शिखी क्लीनिंग तो निहाती बहुत लोग शिखी आम जानी सब पिलादिन शिखाई कि हाथ मैंने खावा पूर्व हाथ धोवा दरकार कोविड आज्ञा निहां कल लाइफ स्टाइल टी चेज हो लोक मान पुणी टिके टिके फेरी गलु कारण से बर्डन टाउ ना से डर टा ना लोक मन में पुणी टी बेपर लाइफ स्टाइल समस्त जीवन कौन कह चाहे कारण समर तो निहाती भाव में अधिका डिजमु भाव कि हो कि मानते बेसी आमको टी केयर ने जब भी गोटे गोटे बड़ बड़ डीज आसी लोक बहुत कथ शिखाई जमीक डायरी आउटब्रेक है आपंकर कलेरा आउटब्रेक है आपंकर प्लेग है आपंकर कोविड है ये सब आउटब्रेक है एपिडेमिक है तो ये सब कौन गोटे गोटे कथ आमको शिखाई जाइए आमको मेडिकेसन रूज के करवा दरकार आमको कौन कौन लाइफ स्टाइल मोडिफिकेसन कले आम भल रही पार आमको पर्टिकुला कौ छोट छोट जिनस मानिले आमको रोग हम ना पर्टिकुला आम बाहर को जाचे बाहर आसला सुजटा बाहर रखा गोड़ हाथ धुआधुई करवा हाँ हाथ टाक भल भाव परिष्कार कर जो 7 स्टेप्स अच्छी इजी हैंड वाशिंग से भल भाव फॉलो करवा जहाद्वारा कि आम हाथ भल रिष्कार बाहर को जाऊे जदि गोटे पल्यूटेड एरिया आम कम करे N95 मास्क गोटे यूज करवा आउ गाधवा भल भाव ठीक रे भल ठीक रे गाधवा ठीक टाइम रे गाधवा गोटे पर्टिकुला टाइम रे गाधवा तो ये सब जिनस को मानवा दरकार मानले आउ फर्दर आम जदि भी किसी आउटब्रेक है कौन सी डिजीज आउटब्रेक है आम एत सफर करवानी आज्ञा निहाती भाव में आगे भी अनेक कथा आपण विषय भी अनेक कथा आम सहित जन कलर जन कल ना हेलो हेलो नमस्कार किए कह नमस्कार आज्ञा किए कह कौट कह आकाश कहूँ कोरापुट रु अच्छा केम अच्छा आप भल अच्छे आज आम सहित सार अच्छा कथा कहत नमस्कार सर नमस्कार केमती अच्छा सर एत भी भल ना सर मत सर एबे प्रॉब्लम चली कौन है असुविधा सर सर डायरिया प्रॉब्लम सर खरा दिन रे फैमिली डायरिया हम एरिया रे भी डायरिया चलती सर हां हां कौन केमी सर प्रिवेंट कहले जो मिनिमल जिनस गुड़ाक फॉलो करूँ है बारंबार जो जिनस गुड़ाक मुझे कही आसी मिनिमल जिनस गुड़ाक फॉलो करूँ हैंड हाइजीन टाक मेंटेन करूँ पानीर इंटेक्टा को पाटा को फुटेक पीवाक समस्त को कहतु रिक्वेस्ट करूँ समस्त पा फुटेक पीवापी जो बासनकुसन व्यवहार करसनकुसन गुड़ाक भल भाव फुटातु फुटातु जहाद्वारा कि आम डायरिया को प्रिभेनसन कर वाटर इंटेक टाक ठीक रखु पाटा टी अधिक पीवा दरकार पाटा जेनेली आम लोकर टे कमी जाए पा पीवाटा टी कमी जाए आहाड़ पर्वत बुलाबूली भितर पा पीवाटा टी कमी जाए तेणु पाटा को अधिक पीवा कोमती ट्राए करूँ जमी अधिक पा पीबे बाकी रहा पाटा को जमी फुटेबे मिनिमम गोटे 20 मिनट पाटा को फुटेबे व्यवहार करेंगे आज बासन कुसन खाऊँच से बासन गुड़ाक जमी से फुटेबे भल भाव फुटेले आम कलेरा आउटब्रेक है डायरिया आउटब्रेक है ताको प्रिवेंट कर परबा निहाती भाव रे ए सब प्रिवेंट नियंतु सुस्थ रहंतु कारण आमी जे सचेतन रहिबा ताले सुस्थ मध्ये रहि परबा थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग आशा करबी सुस्थ रहंतु नॉर्मली जेंति एते सारा कॉल आसुची लोक मानकर भलो पाइबा लोक आपन लोक मानक पाखरे जे पहुंचि चंती जो जे नुवा नुवा आइडिया नै कि समानक सेवा करि चंती सेटा जेंति आपनको सेठी भगवान डॉक्टर बोली मानुथला से भलो पाइबा मध्ये मिलिची जितेबाला एत सब लोक आपको मानती आपड़ जहाँ कहते जमी कहते कि घर आम सब कहूँ कि जो जिनसा आम बापा माँ बोधे कहते कि ना गोटे जिनस भल जिन आम से मानुना कि डक्टर पाखक गले जो मैंने कहते आम कहूँ कि ना डक्टर कही ही ठीक आम आज्ञा तो ये सब भल पाइबा जो मिले आपन को कौन फिल हुए मैंने अभीयसली प्राउड फिल हुए जो लोक मानक भल पाइबा मिले
प्राउड फिल हुए निज को फिल गुड हुए यहाँ गोटे बहुत बड़ जिनसा जे आप जदि हेल्दी रहा चाहिए तो आपर सर्कमस्टान्स आप एनवायरमेंट गोटे भी जिन रोचे आपड़ कौ एनवायरमेंट रोचान कौ लोक घर में रोचान से लोक भितर पजिट भाइब्स अच्छी ना नहीं तो आपर जिते पजिट भाइब्स थी लोक भितर रे पजिट पीपल भितर रे आपत हेल्दी रे आप मेन्टाल हेल्थ से भल र अच्छा नॉर्मली डॉक्टर मानक किसी मुझे कि फ्री टाइम न था सब बेले अलर्ट रहा दरकार के इमरजेन्सी पेसेंट आस जिन जिते भी थे विकली अप को यूज करुले तो से विषय भी अनेक कथा भी कि आपत निजी फ्री टाइम को यूज करती तो आम सहित जन कलर जेन कर कल टी ना हेलो हेलो नमस्कार के कहउछन्ति मैडम नमस्कार मु भद्रगुरु राजेश कहउछि मैडम आज्ञा केमते अछन्ति आपण मैडम भलो आज्ञा सार अछन्ति कथा बन्दु नमस्कार कोन्तु सार नमस्कार नमस्कार कोन्तु सार केमिति अछन्ति बहुत बढ़िया आपण केमिति अछन्ति सार भलो जे देह टिके भलो होउनी कोन असुविधा सर दी दिन हेला कहीं सर दिन को तीन टा चार बेला झाड़ा हूँ अच्छा झाड़ा रे नाळ भी पड़ुछि सर आ पेट पंपे की रोई सर पर्टिकुलर सोर्स ऑफ इन्फेक्शन कोठ आसीला सेटा को टिके देखंतु आपण बाहर फूड किछि खाइ देथिबे किमा पानी रो वर्क प्रेशर रे पानी टिके कम हो जाइथिबो तो वर्तमान इमीडिएटली संग संग एंटीबायोटिक यूज करंतुनी ओआरएस पियंतु बारंबार ओआरएस यूज करंतु हला आउ खाइबाटा टिके हेल्दी फूड रखंतु जेंति कि आपणकर चूडा कदळी आउ तो हेल्दी फूड रखंतु बारंबार पानी पियंतु बारंबार ओआरएस पियंतु जदि सेथिरे सबसाइड न करूची ताहले आपण डाक्टर को कंसल्ट करिकि एंटीबायोटिक यूज करिवे किमा एंटीवायरल यूज करिवे कोन असुविधा अछि से अनुसार आमे मेडिकेशन यूज करिवा फर्स्ट ओआरएस पियंतु पानी को टिके फुटे कि व्यवहार करंतु आ पानी टिके सफिशिएंट पियंतु आज्ञा सर आज्ञा सर निहाती होबे सर सर आपण को ना सर बहुत सुनी छी आपण प्रेसिडेंट अवार्ड भी पाइथले टिकट रे अबे अछंदि भद्रगर भी सर बहुत पर ट्राई करलिनी देखैबा पई थैंक यू केबे आसु तो देखाबो आज्ञा सर आज्ञा आज्ञा निहाती भावे साझा कले सही हिसाब से ही रुहतु चलतु आ सुस्थ रुहतु नॉर्मली जमी लोक मैंने जमी कह आपको बहुत भल पाती कारण से कल पर ही कल आम सहित आज जन कलर भी जॉइन कर कल ना हेलो 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 नमस्कार किए कौन नमस्कार समस्त आसंती समाज सेवा करबा पई किंतु आमे आपनकर जहा देखुछु आ आपन कथा जहा सुनिछु आपन ये जंगल ठू आरंभ करिके विभिन्न प्रकार अंचल को जोंति कि गवर्नमेंट भी जाई पारु नाही किमा ता सहित किछि लोक भी पहुंचि पारु नांति आपन सेई जगह रे पहुंचि जों समस्त कोंति समाज सेवा माने फोटो फोटो देखु जो जगह रे भी फोटो उठांदी भलो फोटो उठे कि बटांदी किंतु आपनकर जहा आमे देखिछु जो मैंने किसी जिनस पहुंचे समाज सेवा को निशा ना पेशा भाई आग को राजनीति पाद नहीं नहीं सेमती कौन सी इरादा ना राजनीति पाद द्वार कौन सी इरादा ना आम डाक्तर अच्छे डाक्तर हो रहा आउ डाक्तर तो प्रथम आपड़ जानते डाक्तर प्रथम काम है सेवा आउ डाक्तर इक्वल्स टू सेवा सेवा करवा दरकार समाज सेवा करवा दरकार आम कमी प्रॉपर काउंसलिंग करें चारिपटर लोक भल करा आ पर्टिकुलर सेमती नुहे केवल कोरापुटे थे कोरापुट लोक सेवा करुले बर्तमान मुझ भद्रक पोस्टिंग अच्छी भद्रक लोक भी भल पाँच भद्रक लोक भी सेवा करुच्ची तेणु आम चाहे जमी आम जो जगह रही फास्ट सेवाटा कोमी व्रत करवा निज जीवन व्रत करवा आशा आशा दीटा जाक जिते बड़े गोटे जगह गोटे हो जाए से आप राजनीति से बहुत दूर से रुहे तेणु राजनीति कथा भूली जातु आम केवल डाक्तर अच्छे डाक्तर हो जीवन सारा लोकंर काम करिया निहाती भाव में थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग जमी कहे निशा पेशा हूँ आप सेवा कर लोक मान सेवा करवा समस्ते चाहते निज निज वे सेवा करने जमी आप पेशा हो निशा को एक सामान कर लोक मान पाखे पहुँची कहे कि जो भी लोक मैंने पापार ना कि सेवा से आसुँच भद्रक पोस्टिंग से आपण वे आप चाहूँ कि लोक मानक सेवा करें तो आप सब कौन प्लानिंग रखिंट प्लानिंग है मुझे चिंता करी जो विंटर आसला
तो पिला सेठी टिके हैंड हाइजीन विषय शिखेबा से जो मुझे प्लान कर पिला पर्टिकुलर किछटा एक्सरसाइज शिखेबा जो एक्सरसाइज द्वारा जो गुड़ाक फिजिओथेरापी एक्सरसाइज से एक्सरसाइज शिखेबा जोटा कि एल्डरली लोक मैंने जो द्वारा कि केमती आप ऑस्टियो आर्थराइटिस बंची पारे आंठूगंठी बथर बंची पारे किंबा आपण केमती हेल्दी फूड खाइबे तो पिला गोटे प्लां करूँ तार इनिशिएटिव नहींचु आम ये स्टार्ट करूँ ये नवेम्बर डिसेम्बर मस भर स्टार्ट कर निहाती भाव में आम चाहे को सेठी जमी एत सक्सेस मिली ये भी सेमती सक्सेस मिलू आ समस्ते सुस्थ रुंतु आम सुस्थ रही गोटे सुस्थ समाज या आपण अवदान सबुठू अधिका रही आगक भी सब बेले थैंक यू सो मच जिते कथार कथार बहुत कि जिनस शिखिपाल जापाल समय भी सरगला जना भी पड़े बहुत बहुत धन्यवाद आपंक थैंक यू सो मच दर्शक बंधु आशा करुच्छे आज आपण पसंद आसो समय सर विदाय दिंतु पुणि देखा बड़े नुआ सकाळ रे आउ जने नुआ अतिथि सहित रहुची नमस्कार।